सो हेलो गाइज, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से लगभग पिछले 3 महीने से क्रिकेट की गतिविधियां पूरी तरह से बंद हैं। सभी देश के क्रिकेटर, सभी देश की टीम क्रिकेट के मैदानों से दूर हैं। कहीं पर भी कोई भी सीरीज, मैच या फिर इवेंट्स या फिर टूर्नामेंट नहीं हो पा रहे हैं इसी कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन अब यहाँ पर क्रिकेट रीस्टार्ट होने जा रहा है। कोरोना के बाद पहली सीरीज कन्फर्म हो चुकी है, जो कि इंग्लैंड वर्सेज वेस्ट इंडीज़ के बीच खेली जाएगी। यह सीरीज काफ़ी रोमांचक, काफ़ी टक्कर के होने वाली यह सीरीज, जिसका पूरा कन्फर्म शेड्यूल और कार्यक्रम इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और साथ ही वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस कर दिया है, शेड्यूल जारी कर दिया है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं सीरीज के पूरे कन्फर्म शेड्यूल और कार्यक्रम के बारे में कि इंग्लैंड वर्सेज वेस्टइंडीज के बीच इस सीरीज का पहला मैच किस दिन स्टार्ट होगा, किस तारीख को स्टार्ट होगा और सारे मैचेस कब और कहां और कौन से स्टेडियम में खेले जाएंगे और कितने बजे से स्टार्ट होंगे, पूरी विस्तार से बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप भी हैं क्रिकेट के फैंस, क्रिकेट से जुड़ी हर एक न्यूज अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले। अगर हम बात करें यहां पर तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए अपना पूरा कंफर्म शेड्यूल जारी कर दिया है, यानी कि इस भयंकर महामारी की वजह से ठप पड़ चुकी क्रिकेट गतिविधियां इन देशों के बीच प्रतिस्पर्धा से दोबारा पटरी पर लौटेगी। जी हां, जो कि इंग्लैंड वर्सेज वेस्टइंडीज के बीच जो सीरीज होगी ये कोरोना के बाद पहली सीरीज होगी और इस सीरीज की मदद से क्रिकेट दोबारा रिस्टार्ट होने जा रहा है कोरोना के बाद। अगर हम बात करें यहां पर इस सीरीज के बारे में तो गाइस, वेस्टइंडीज की टीम इंग्लैंड के दौरे पर जाएगी, यानी कि वेस्टइंडीज टूर ऑफ इंग्लैंड 2020 जहां पर वेस्टइंडीज के इंग्लैंड दौरे पर खेली जाएगी टोटल 3 टेस्ट मैचों की सीरीज। यहां पर कोई भी वनडे या फिर टी20 मैचों की सीरीज नहीं है। अगर हम बात करें सीरीज के कार्यक्रम के बारे में तो यह सीरीज जुलाई के महीने में खेली जाएगी, जिसका पहला टेस्ट मैच 8 जुलाई 2020 से स्टार्ट हो जाएगा और 12 जुलाई 2020 को खत्म होगा और यह मैच साउथैम्पटन के एज बॉल स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट मैच इंग्लैंड वर्सेज वेस्टइंडीज के बीच 16 जुलाई 2020 से स्टार्ट होगा, 20 जुलाई 2020 को खत्म होगा और यह मैच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफोर्ड में खेला जाएगा, जबकि तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच इंग्लैंड वर्सेज वेस्टइंडीज के बीच 24 जुलाई 2020 से स्टार्ट होगा और 28 जुलाई को खत्म होगा और यह टेस्ट मैच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफोर्ड स्टेडियम में खेला जाएगा। तो गाइस, जरा इंग्लैंड वर्सेज वेस्टइंडीज के बीच होने वाली सीरीज का 100% कंफर्म शेड्यूल, यानी कि क्रिकेट रीस्टार्ट होने जा रहा है 8 जुलाई से, जहां पर 8 जुलाई को पहला टेस्ट मैच स्टार्ट हो जाएगा। जो कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने बयान में कहा है कि वेस्टइंडीज की टीम मंगलवार 9 जून को ब्रिटेन पहुंचेगी। टीम इसके बाद पृथकवास और ट्रेनिंग के लिए ओल्ड ट्रैफोर्ड जाएगी। पहले टेस्ट की शुरुआत से पहले एजियास बॉल जाने से पहले वो 3 हफ्ते तक वहां रहेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी हितधारकों के लिए सुरक्षित माहौल मुहैया कराया जाए, जिसमें खिलाड़ी, मैच अधिकारी, आयोजन स्थल के जरूरी कर्मचारी, संचालन स्टाफ, प्रसारणकर्ता और मीडिया शामिल हैं। हम सरकार और मेडिकल टीम के साथ रोजाना चर्चा कर रहे हैं। तो गाइस, बहुत ही बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, बड़ी खुशखबरी आप कह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपने विचार जरूर दें।